जाती है। और साथ में जो नारी पति के और परिवार के अच्छाई का बुरा फायदा उठाती है, पति बहुत ज़्यादा सीधा साधा है, उसको उल्टा सीधा बोलती है, चिल्लाती है, डांटती है, तो ऐसी नारी घर के लिए बिल्कुल शुभ नहीं होती। ऐसी नारी के साथ में आप शादी मत करिए। और चरित्रहीन नारी सदैव घर के लिए अशुभ होती है। ऐसी नारी को अपने घर की बहू कभी मत बनाइए। और जो नारी झगड़ा को पसंद करती, कलह प्रिय नारी, ऐसी नारी भी घर को बर्बाद कर देती है, आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला देती है। इसलिए कलह प्रिय नारी से दूर ही रहें, उसको घर में जगह ना दे, घर की बहू ना बनाएं। और कहते हैं ऐसी बिना सोचे समझे बोलने वाली नारी घर के लिए अत्यंत अशुभ होती है। जो मन करे, जो उसने सोचा वही बोलती है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए जिसको पता नहीं होता ना, वो नारी भी घर के लिए अशुभ हो जाती है। इसलिए जब भी आप घर में बहू लाएं तो बिल्कुल सोच समझ करके ला लीजिएगा। नारी के कुछ अच्छे गुण और कुछ बुरे गुण आज हमने आपको बताया, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, प्यार से बोल दीजिए ना। देखिए आज हम आपको बताते हैं, रात के समय ये 8 गलतियां भूल करके भी ना करें। रात के समय ये गलती करना बहुत ज़्यादा गलत है, लेकिन वही लोग इस गलती को करते हैं जिसको इस विषय में ज्ञान नहीं होता, जिसने सुना नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने अभी सुन लिया। इसके बाद में रात्रि के समय भूल से भी ये गलत मत करिए, गलतियां मत करिएगा। किसी का आदत होता है रात के समय में सफाई करते हैं, रात्रि के समय सफाई करना भी गलती है। रात के समय भूल से भी सफाई ना करें। रात के समय जूठे बर्तन को रसोई में ना रखें। और उसके बाद रात्रि के समय दूध दही का दान ना करें। और रात के समय नाखून ना काटें। रात्रि के समय में चौराहे पर ना जाएं। रात के समय तुलसी का स्पर्श ना करें। रात के समय में स्नान नहीं करना चाहिए। और ये 8 काम अगर रात के समय करते हैं तो दरिद्रता घर में निवास करती हैं। इसलिए कभी भूल से भी रात के समय इन गलतियों को कभी भी मत करिएगा, प्यार से बोल दीजिए। राधे राधे।